आज की हमारी इस वीडियो में ये देखेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रिक जार तो है मगर उसका नीचे वाला जो बेस है वो फिर गुम गया है या फिर मिल नहीं पा रहा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बिना इस बेस के आप अपने इलेक्ट्रिक जार को डायरेक्ट किस तरीके से चला सकते हो, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बताएंगे। चलिए हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक केटल का जो जार है उसको बिना बेस के किस तरीके से आप चला सकते हो उसके बारे में यहाँ पर दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पर बेस को अलग रख देता हूँ। अब सिंपल हमें क्या करना है, ये देखिए इसके नीचे देखते हैं। तो इसके नीचे 1, 2, 3 कुछ स्क्रू लगे होते हैं जिसको मैंने इस वीडियो में पहले ही खोल दिया है। तो इसके नीचे वाला जो बेस है उसको अलग कर देता हूँ। यहाँ पर एक इंडिकेटर होता है तो इंडिकेटर को भी मैं इस तरीके से बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोनों पार्ट यहाँ से अलग अलग हो चुका है। सिंपल आपको क्या करना है वो दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ से इस एलिमेंट से होकर एक वायर इस स्विच में गया है। इस स्विच से एक बार यहाँ से खींचना है, उसके बाद फिर से देखेंगे इस स्विच में ये वाला जो वायर है वो भी इस स्विच के साथ गया है। तो इस तरीके से इसकी जो दोनों वायर्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। दोनों वायर की कनेक्शन हम इस तरीके से एक अलग से लीड वायर ले लेते हैं, इस लीड वायर के साथ कनेक्शंस करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेन लीड वायर की वायरिंग हमने बहुत अच्छी तरीके से कर दिया है। एक वायर देख पा रहे हैं जो कि एक वायर के साथ कनेक्शंस हो गया है, दूसरे वाले वायर का इस साइड पे हमने कनेक्शंस दे दिया है। जो अर्थिंग वाला वायर है उसको यहाँ पर टैप लगा के बंद कर दिया है। चलिए अब हम इसको फटाफट फिट कर लेते हैं और चालू करके देखते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि हमने बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शंस कर लिया है। इसके नीचे जो स्क्रू वगैरह लगता है सारी चीज़ें लगा दिए हैं। अब आता है इसका टेस्टिंग की बारी। तो मैं इसको नीचे में कुछ इस तरीके से रखता हूँ ताकि यहाँ पर इंडिकेटर्स भी दिखेगा और हम इसको बिजली की प्लग पर लगाएंगे। लेकिन क्या है, इलेक्ट्रिक केटल हो कोई भी गर्म करने वाला चीज़ हो उसमें सबसे पहले पानी जरूर डालना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसमें पानी डाल देता हूँ, फिर चेक करेंगे। अब मैं इसके जो प्लग है उसको बिजली की बोर्ड पे लगाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या हमारे इलेक्ट्रिक केटल काम करता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसकी इंडिकेटर्स आ चुका है। और आप इसकी आवाज को सुन सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप अपने इलेक्ट्रिक केटल का अगर नीचे वाला बेस नहीं है या फिर गुम गया है तो आप उसको डायरेक्ट करके चला सकते हैं। वीडियो से जानकारी मिली हो तो वीडियो लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से लाएंगे हम नई वीडियो नई जानकारी लेकर।